अस्सलामुअलैकुम सजनों, तो मेरे मित्रों से लियो, कैसे हो? खैरियत करता हूँ, आप सब उम्मीद से होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपकी खिदमत में मजे मजे की मीम्स लेकर। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। जब घर में फूफा और उनका बेटा आए और घर में मेरे अलावा कोई ना हो और मैं उनको बिना कुछ खिलाए पिलाए वापस भेज दूं, ले जाते वक्त फूफो जी तेरे चमन ते लानत, तेरी जवानी ते लानत, तेरी जद ते लानत, जब आपकी अम्मी आपको सहन में नहला रही हो और ऊपर से आपकी फेवरेट कजन आ जाए, ले 7 साला नंगे आप। अफसोस करते हुए कि यार सारे बिस्ती खराब कर दिए, तो ये क्या बात हुई? मैं अम्मी ये कल का सालन है, चेक करे खराब तो नहीं है? ले अम्मी, तुम कड़क माल है ना। अम्मी ने कहना होता है कि ले भी कोई चीज ना जाया ना जाए, तो सही है, ओके है, बिल्कुल फ्रेश माल है, खा जा। जब मेरे दोस्त से कोई पूछ ले कि बहुत अच्छी सेहत है आपकी, क्या खा पी कर जवान हुए हो, ले मेरे दोस्त। मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा। वाह पुत्र वाह, ये किसका बाल है? किसका है, किसका बाल है ये? तुम्हारा ही और किसका? मेरा नहीं है, किसका बाल है? झूठ मत बोल मेरे से। बेबी तुम्हारा ही बाल है और किसका बाल होगा, कैसी बातें कर रहे हो? उसकी तो टेंड है। उसका शक सही है। फ्रेंड हाउ इज योर लाइफ? मी ऑल गुड, लव माय लाइफ, हौसला चेक कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा मेरे पास जीने के लिए 2 हफ्ते हैं। मैंने डॉक्टर को मार दिया, जज साहब ने मुझे 40 साल की सजा सुना दी। निबी ऑन फायर, सारी जिंदगी अभी तेरी जिंदगी हुई कहाँ है? जब गर्लफ्रेंड कहे कि तुम टिकटॉक पर बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, एक मेरे लिए, ले फिर मैं अपना जलवा दिखाते हुए। क्या कहने, जब मैं नई सिम लेकर अपने दोस्त को कॉल करूं, दोस्त हेलो टांडे इस कुत्ते, कौन बोल रहा है? अरे वसूली बोल रहा हूँ, तेरा बाप काम कर अभी से। गालियां पै रही हैं यार, इस तरह से तो ना तुमने लाजमी कभी ना कभी किया होगा, जब भी नई सिम ली होगी ना, या किसी के नंबर से ना अपने दोस्त को तंग तो लाजमी किया होगा। अगर किया है तो उन्होंने नीचे कमेंट करके बताओ यार, इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए। मुझे एक ऐसी चीज बताइए कि जो लड़कों के सर में होती है और लड़कियों के घुटनों में। हां यार वाकई इतना सच भी नहीं बोल रहा था। डिस्ट्रॉइंग इन सेकंड, इसने बद्दुआ दी कि पप्पा मर जाए, मोहल्ले के 7-8 आदमी मर गए। अच्छा था, बिस्ती नहीं होगी उसका, मुंह चेक करो। वेट फॉर काली साहब, तभी तो हम भी कहेंगे दाढ़ी चुपती है आपकी। डार्लिंग तब बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है जब बंदा ना पैड़ा सा मुंह बना के बैठा हो और स्नैपचैट बंदा खोले ना, वो सबसे पहले कैमरा ओपन होता है और वो आपका ऐसा पैड़ा मुंह आपका दीदार होता है ना, आपको ही सारा मूड ही खराब हो जाता है। जब मेरे घर वाले जिससे मैं लव करता हूँ उसकी टिकटॉक वीडियो दिखाएं, उसके बाद मेरा रिएक्शन, महबूब आपके कदमों में, महबूब तन तो खा दे जाए, नाराज होके लड़के दूर चला जाए, इतनी दूर के जिथों तुम वापसी की उम्मीद नहीं, फोन कर दे, फोन कर दिता है, ब्लॉक कर दिता है, बंद कर दिता है, बिजी कर दिता है, धमकियां लाता है, मैं तेरे को नहीं आना, नहीं आना, कोई बात नहीं, साडा प्रोफाइल क्यों, नंबर कोटो, व्हाट्सएप साडा रबता करो,
आज मैं अपनी मोहब्बत का जनाजा उठा कर आई हूँ। आज वाले वीडियो में तो निबिया हुई पड़ी। When you complete your degree, student, क्या क्या चाहिए तुझे? भैया जी हमें नौकरी चाहिए। अरे यार यार सड़क पर भीख मिल जाती है, छोकरी मिल जाती, नौकरी वोकरी नहीं मिलती। आजकल तो वही आई है साहब, हुआ पेड़ है सारे पास। डूड वॉज अबाउट टू डाई फ्रॉम लाफ्टर। ओके उसके टेंट के साथ वो लगा रही है वो मशरूम वाला, क्या होता है इसका नाम, वो उतर ही नहीं रहा और डंडा टूट गया, उतर गया उतर। वो मरन लगा सी भाई, वो वाकई मरन लगा सी। आई सैड सॉन्ग सुनकर गर्लफ्रेंड की याद में एक घंटा रोया, फिर याद आया मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, फिर दो घंटे और रोया। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली वो खुशी का पल आ गया, ले खुशी का पल। गुजर भी गया। He is a real gamer. उसकी बीवी है पता नहीं कौन, मीटिंग मीटिंग पे लगी हुई है। तरस आ गया, छोड़ दी उसने गेमिंग। गेम जरूरी है बाबा। जब आप 4 साल के बाद सऊदी से वापस आए तो आपको पता चले कि आपके जिगरी यार ने आपको बिना बताए शादी कर ली है, ले तपे हुए आप, होली लैटिंग शैटिंग लगाई हुई है। क्या हो रहा है यहाँ? वो अपने थामन भैया है ना, उनकी ताजी हो गई। मौलवी साहब ये कोई बात ना हुई, आप अपना काम करें, हमें क्यों नहीं कर रहे? क्यों पबजी गेम खेलने वाले जितने की फट्टे दर्जे ने बगैर उतने निकले नहीं तरले दर्जे ने और तो मैंने खेलना छोड़ दिया ये, बिल्कुल खेलना छोड़ेगी है। पबजी वाले पैसे नहीं दे रहे यार, इसलिए हमने खेलना छोड़ दी। इमोशनल डैमेज, उसके लिए वो लाया है नेकलेस, नेकलेस है ना। वो बैग की वो जंजीर थी, दीदी के साथ प्रैंक हो गया। इतने तो मेरे खानदान में बुजुर्ग नहीं थे जितने मैंने स्कूल से छुट्टियों के लिए मार दिए। हाँ वैसे ऐसे ही होता था, छुट्टी लेनी होती थी ना कोई खानदान का बाबा मारना पड़ता। जब कराची वाले घर से बाहर जाए वो सारे पर्स के पर हाँ वो पूरे पूरे जितने पैसे चाहिए वो सिर्फ लेके जा रहा है, बाकी पर्स मोबाइल सारा कुछ घर रख के सलाम दुआ लेके वो जा रहा है। फिर वन डे यू एंड मी, अरे वाह पक्का निशाना लग गया। सक्सेस ऐसे नहीं मिलती भाई, बहुत चोटें खा के मिलती हैं। व्हेन यू विजिट योर फ्रेंड हाउस एंड सडनली हिज मॉम स्टार्ट बीटिंग हिम। जिसे आप मिलेंगे वही अम्मी उसे ही कुटने लग गई है। द लास्ट वे टू सेव मनी, वो ये क्या कर रहा है? अच्छा वो खिलौनों की दुकान है, उससे आंखें बंद करके वहां से गुजार दिए। महंगा पता नहीं बच्चा हुआ करने लगा। वो सेट होने के करीब थी, नेटवर्क की बंदिश ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये पिछले दिनों जो नेटवर्क बंद हो गए थे, ओए सो सैड। ओ यहाँ मैं पिघल गया। ओ देखो अच्छी भली दाढ़ी थी उसने काट दी। ओ ओ भाई साहब वो लड़की बनने लगा है अच्छी बड़ी दाढ़ी उतार के। ओ भाई साहब लिमिट होती है इंसान की यार, और वो लिमिट मेरी ना पूरी हो गई है। अब यहाँ से ना वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना, कमेंट करके लास्ट में बताना अपने दोस्तों यार मोहब्बत सहेली के साथ लास्ट भी शेयर करना। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो व्हाट द हेक इज दिस मैन, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ये थी आज की वीडियो, आज मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।